गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग फोर्थ क्लास में चैप्टर नंबर सेकेंड पढ़ेंगे कंप्यूटर में मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर, यानी प्रबंध फाइल्स और फोल्डरों को कैसे प्रबंध किया जाता है, किस तरह रखा जाता है, किस तरह बनाया जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जानना है कि हम लोग विंडोज़ के बारे में जानना है, फ्यूचर ऑफ विंडोज यानी सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि विंडोज़ एक्सपी के बारे में, विंडोज़ 95 के बारे में, विंडोज़ विस्टा के बारे में, विंडोज़ 2000 के बारे में, विंडोज़ 9 के बारे में। आज हम लोग फाइल्स एंड फोल्डर्स के अंतर्गत यानी मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर में, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे विंडोज़ 10 के बारे में। विंडोज़ 10 क्या है? विंडोज़ 10 एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत आज के दौर में जो यूज़ किया जा रहा है सबसे अधिक लेटेस्ट वर्जन माना जाता है। इसमें हम लोग अत्यधिक कार्य तुरंत मतलब जल्द से जल्द कर सकते हैं। विंडोज 10 के अंतर्गत हमारे जो वर्जन्स हैं यानी एक प्रोडक्ट्स हैं जो कहा जा सके, यानी विंडोज 10 जो है कंप्यूटर के अंतर्गत एक ऐसा एप्लीकेशन सॉरी सॉफ्टवेयर माना गया है जो बहुत अधिक पावरफुल जाना जा रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को तुरंत एक कर लेना, यानी एक्टिव मतलब अपने और आकर्षित करना। लेकिन इस शब्द का मतलब कंप्यूटर के अंतर्गत विंडोज का ये दिया गया है कि तुरंत जो है अपने इसी बूटिंग की प्रक्रिया में ये दिखाया जा रहा है कि जैसे ये फ्लोट होता है यानी खुलता है तो अपने तरफ आकर्षित करता है। इसे हम लोग जल्द से जल्द यानी अत्यधिक कार्य को कर सकते हैं, अत्यधिक प्रोग्रामों को जल्द से जल्द कार्य करने से किया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन हमारा है इंप्रूव द स्टार्ट में, यानी इंप्रूव मतलब पूरी तरह इंप्रूव कर लेना यानी जागरूक हो जाना। इंप्रूव में ये कहा जा सके कंप्यूटर के अंतर्गत इंप्रूव का स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू के अंतर्गत इसमें इंप्रूव किया गया है यानी हाईलाइटेड किए गए हैं जिसके अंतर्गत कोई भी क्विक एक्सेस अफेयर्स एंड सर्विस यानी तुरंत कोई भी सर्विस को तुरंत जल्द से जल्द दिखाने का कार्य किया जा रहा है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें सर्चिंग मेड इजी विद कॉटन कॉटन, यानी इसमें जो है अत्यधिक कोई भी चीज सर्चिंग पॉइंट तुरंत डेस्कटॉप से हम लोग कर सकते हैं। स्टार्ट मेनू के बगल में विंडोज 10 में इस वर्जन के अंतर्गत सर्चिंग पॉइंट दिया गया है, इसमें अत्यधिक कार्य कर सकते हैं। और सारे ऑप्शन में कहा जा रहा है विंडोज 10 सपोर्टेड मल्टीपल डेस्कटॉप, यानी मल्टीपल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है जिसमें आइकॉन्स जब फ्लोट होते हैं तो एक तरफ आइकॉन्स नीचे टास्क बार पर बहुत सारे आइकॉन सर्च इंजन स्टार्ट मेनू अलग तरीके से विंडोज 10 में देखा जा रहा है। चलिए स्टार्टिंग द विंडोज, चलिए अब स्टार्ट करते हैं तो क्या हमें देखने को मिलता है उसके बारे में जानते हैं। यानी स्टार्टिंग द विंडोज स्टार्टिंग द विंडोज में कहा गया है कि जब हम लोग कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो हमारी बूटिंग प्रक्रिया यानी लाइट आने के बाद बूटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसके बाद जब हम लोग स्टार्ट होता है तो डिजिटल रूप में यानी अत्यधिक डिजिटल रूप में नए रूप में आपके आइकॉन्स दिखाई देने लगते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन पे जिस पर हम लोग देख सकते हैं अलग तरीके से। उसके बाद नीचे जो है स्टार्ट मेनू के सबसे पहले मेनू दिया गया होता है जिसमें अलग से फ्लोट होकर जब इस प्रोग्राम को चालू करते हैं तो अलग से
दिखाई देने वाले डिजिटल रूप में दिखाई देते हैं। उसके बाद है द स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन क्या है जान लेते हैं। स्टार्ट बटन यानी इसके अंतर्गत पहले हम लोग देखते थे जब स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करते थे या स्टार्ट बटन पर क्लिक करते थे तो हमारा एक डायलॉग बॉक्स इस तरह खुलकर दिखाई देता था, लेकिन विंडोज 10 के अंतर्गत कुछ मॉडल की तरह आपके स्टार्ट मेन्यू जो है अपीयर्स होकर डिस्प्ले होकर यानी उसके प्रोग्रामिंग के रूप में आपके डिस्प्ले इस तरह फ्लोट होकर आगे दिखाई देंगे यानी दिखाई देते हैं विंडोज 10 के अंतर्गत। आगे जान लेते हैं हम लोग इन सब के बारे में। आप लोग जान चुके होंगे कि विंडोज 10 क्या है, विंडोज 10 के अंतर्गत स्टार्ट मेन्यू जब स्टार्ट किया जाता है तो क्या होता है। दूसरी चीज पहले वर्जन में हम लोग देखते थे कि डायलॉग बॉक्स दिखाई देता था, लेकिन 10 में जो है कुछ डिजिटल रूप में अपीयर्स होकर प्रोग्राम के साथ साथ आपके फ्लोट होते हुए दिखाई देते हैं। चलिए आगे जानते हैं फाइल्स आर फोल्डर जो हमारा मेन टॉपिक है इसके अंतर्गत। इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि फाइल्स आर फोल्डर। फाइल्स किसे कहते हैं। यदि हम किसी डाटा को या कोई इंफॉर्मेशन लिखते हैं बहुत सारे तत्वों को लिख कर इकट्ठा करना उसे फाइल्स कहते हैं। फोल्डर यानी कि बहुत सारे फाइलों को फोल्डर के अंतर्गत एक संग्रहित करके रखना उसे फोल्डर कहते हैं। चलिए फाइल इन कलेक्शन टू रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोरेज टूगेदर ऑन द स्टोरेज डिवाइस यानी एक दूसरे से जुड़े हुए स्टोरेज डिवाइस में हमेशा सुनिश्चित होते हैं, लेकिन फोल्डर जो होते हैं स्टिप ऑल अवर फाइल्स इन ए फाइल कैबिनेट यानी उसको फोल्डर जो होते हैं यानी फाइल्स में हम लोग जान सकते हैं कि फाइल्स के अंतर्गत हम लोग जो भी डिवाइस स्टोरेज करते हैं वो स्टोरेज होते हैं। एक अपने नाम से बनाया जाए वह फाइल होता है, लेकिन अपने नाम से जो फोल्डर बनाया होता है जिसमें कई के फाइलों को अंकित किया जाता है यानी रखा जाता है। फोल्डर का मतलब फाइल्स का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, फोल्डर का मतलब भी समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं जानते हैं करेक्ट फोल्डर। अगर आप लोगों को फोल्डर बनाना है तो कैसे बनाएं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी फाइल्स किस तरह बनते हैं तो फाइल्स जब हम लोग किसी भी डाटा को टाइप करते हैं तो वो स्टोरेज करके अपने नाम से सेव ऑप्शन पर जाकर सेव कर देते हैं, लेकिन फोल्डर कैसे तैयार किए जाते हैं चलिए अब हम लोग जानते हैं। फोल्डर जो है कि करेक्टिंग फोल्डर जब हम लोग किसी भी स्क्रीन पर यानी फोल्डर्स कैसे तैयार होते हैं ये जान लेते हैं। अगर किसी भी डेस्कटॉप पर अगर हम लोग खाली स्थान पे अगर एरो को ले जाकर जब हम क्लिक करते हैं राइट बटन तो हमारा एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। डायलॉग बॉक्स मतलब होता है कि जो प्रोग्राम जिसमें ऑप्शन कई दिए गए होते हैं उसे डायलॉग बॉक्स कहते हैं, जिसके नीचे एक न्यू फोल्डर दिया गया होता है या न्यू फोल्डर या न्यू फोल्डर के नाम से दिया गया होता है जिसे आप लोग अगर क्लिक करते हैं तो आपका जो है एक फोल्डर तैयार हो जाता है जिसमें पहला देता है अपने नाम से तैयार। तो उस चीज को जब आप लोग अपना नेम टाइप कर देते हैं कोई भी नाम तो आप लोगों का फोल्डर तैयार होकर डेस्कटॉप पर दिखाई देता है जिसमें हम लोग अपने इंपॉर्टेंट फाइल्स को सुरक्षित या उसमें रख सकते हैं। चलिए रीनेम ओपनिंग आप लोग ओपनिंग करना चाहते हैं तो अगर अपने फोल्डर पर माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स आता है या ओपन उसमें ऑप्शन दिया गया होता है जिसे आप लोग क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या आप लोग अपने फोल्डर पर डबल क्लिक माउस का लेफ्ट बटन करते हैं तो आपका फोल्डर खुल के फ्लोट होकर यानी खुलकर दिखाई देता है। आप जानते हैं हम लोग दूसरा ऑप्शन दिया गया है रीनेमिंग। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रीनेमिंग मतलब रीनेम करना मतलब क्या होता है चलिए जानते हैं।
चलिए जानते हैं कि रीनेमिंग का ना। रीनेमिंग मतलब होता है कि आप किसी भी फोल्डर को यानी अजीत के नाम को बदलकर सोनू कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जब आप लोग फिर ध्यान दीजिएगी, जब आप लोग अपने फोल्डर के और सॉरी फोल्डर के पॉइंट पर जाकर जब राइट बटन क्लिक करते हैं माउस का, तो एक डायलॉग बॉक्स यानी बॉक्स खुलता है जिसके नीचे यानी उसके नीचे आप लोग देख सकते हैं कि एक रीनेम करके ऑप्शन आता है, जिस पर आप लोग क्लिक करते हैं तो एक बॉक्स फिर से खुलता है जिसमें ये लिखा होता है कि आपके यहाँ पर नाम दिखाई देता है, उस नाम को इरेज करकर यानी इडिट करके या हटा कर यहाँ पे दूसरा नाम देने के लिए किया जाता है। रीनेम का यूज ये इस तरह किया जाता है। आगे जान लेते हैं कि राइट क्लिक यानी राइट क्लिक लास्ट ऑप्शन, राइट लास्ट ऑप्शन आप लोगों को ये बता दूं कि अब जब अपने माउस पॉइंटर को किसी भी डेस्कटॉप पर क्लिक करते हैं, किसी भी डेस्कटॉप पर अगर आप लोग राइट बटन क्लिक करते हैं होगा तो एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है जिसमें ऑप्शन दिए गए होते हैं कि रिफ्रेश, न्यू रिफ्रेश, शॉर्टकट्स, प्रॉपर्टीज, अंडो, रीडो, पर्सनॉलिटी, ये ऑप्शन दिए गए होते हैं जिस पर आप लोग आगे का कार्य कर सकते हैं। इसे हम लोग आगे जानेंगे। सो गाइस, आप लोगों को समझ में आया होगा आज के बारे में फाइल साइन फोल्डर्स के बारे में। यदि आप लोगों को कोई भी प्रश्न है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।